जी भाई साहब, ये उसी की तरह पे है। और जैसे लड़कियों की लीग होनी बंद हो गई थी, तो एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो अपने लड़की हैं उनको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे मौका मिले और एक प्लेयर को जो डिजर्व करे उसको वो मिले। किस लेवल के प्लेयर इस लीग में खेल सके भाई साहब, और कैसे मतलब उनको खिलाया कैसे गया? इसमें सभी इंटरनेशनल प्लेयर जितने भी हैं भाई, जो एशियन चैंपियनशिप खेल रहे हैं, जो भी हैं नेशनल खेल फिलहाल फिलहाल में नेशनल खेल रहे हैं या स्टेट लेवल जितने भी हैं, सारे सारे खेल रहे हैं, जॉब कर रहे हैं जो भी। और खेला है तो क्या है कि प्लेयरों के साथ जान पहचान है, खुद उनका भी फायदा होता है और उन खुद प्लेयर ही प्लेयर का गेम को ऊपर लेके जाता है भाई। उनसे बात करके तो ये करवाई गई है। देव कुमार देवा जी प्रणाम। सर, प्रणाम। ये किस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थोड़ी जानकारी दो। जितने भी दोनों चैनल पे दर्शक देखने वाले हैं उन सबको देव कुमार देवा की राम राम और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो WSKL वुमेन कबड्डी लीग का टूर्नामेंट होने जा रहा है, दूसरा सीजन, जिसको डीगल गांव में, जो कि एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव है हरियाणा प्रदेश का, वहां पर एक बहुत बड़ी एकेडमी ब्रिगेडियर रण सिंह जी के नाम से, स्वर्गीय रण सिंह जी के नाम से, वीर रण सिंह के नाम से एक एकेडमी भाई कुलबीर ने बनाई, जो कि डीगल स्टेडियम के पास में, राजीव गांधी स्टेडियम के पास में, बहुत बड़ी एकेडमी है। इसमें ये दूसरा सीजन टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें पवन ढांडा भाई और मासूम शर्मा और पूरी एक टीम है, अनीता कुंडू है, विनय खत्री, आप ये चेहरा बहुत ज़्यादा तरीके से इस चेहरे को देखते हैं आप, और संदीप भाई है, तस्वीर है, ओम प्रकाश है, जो कि इस एकेडमी का संचालन देख रहे हैं, और ये मेरे साथ में बैठे बहुत अच्छा मित्र है मेरा, इसको आप थोड़ी देर में पहचान ही लोगे, ये क्योंकि थोड़ी देर में पहचाना जाता है। तो हमारा मकसद है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दोनों चैनल के दर्शक और तीनों चारों पाँचों छः चैनलों के जो दर्शक देख रहे हैं उन सबको यही बताना कि ये टूर्नामेंट जो राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है, इसमें 8 टीम भाग लेंगी, और जो हमारी ये जो WSKL जो हमारी ये वुमेन कबड्डी लीग है, ये हमारी भारतीय जो कबड्डी एसोसिएशन है उससे हमारी इसको मान्यता प्राप्त है, और ये दूसरा सीजन है। बाकी आपको जो गहराई की और तकनीकी जो बातें हैं उसको पवन ढांडा भाई और कबड्डी के बहुत अच्छे विनय खत्री भाई और राजनेता हैं हमारे, बहुत अच्छे तस्वीर है लावत, संदीप पहलवान जो कि एक टीम के ओनर भी हैं, जो 8 टीम इसमें भाग लेंगी, रजिस्टर्ड टीम है, उन सब के बारे में विस्तार से ये बताएंगे। बाकी आप सब इस पर बने रहें जी। विनय भाई राम राम। राम राम भाई, सारे विनय भाई, ये भाई। जो लीग होने जा रही है, जैसे प्रो कबड्डी लीग होने लग रही है लगातार इंडिया में, ये उसी की तर्ज पे है वोमेन कबड्डी लीग? जी भाई साहब, ये उसी की तरह पे है। और जैसे लड़कियों की लीग होनी बंद हो गई थी, तो एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो अपने लड़की हैं उनको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे मौका मिले और एक प्लेयर को जो डिजर्व करे उसको वो मिले। किस लेवल के प्लेयर इस लीग में खेल सके भाई साहब, और कैसे मतलब उनको खिलाया कैसे गया? इसमें सभी इंटरनेशनल प्लेयर जितने भी हैं भाई, जो एशियन चैंपियनशिप खेल रहे हैं, जो भी हैं नेशनल खेल फिलहाल फिलहाल में नेशनल खेल रहे हैं या स्टेट लेवल जितने भी हैं, सारे सारे खेल रहे हैं, जॉब कर रहे हैं जो भी। और खेला है तो क्या है कि प्लेयरों के साथ जान पहचान है, खुद उनका भी फायदा होता है और उन खुद प्लेयर ही प्लेयर का गेम को ऊपर लेके जाता है भाई। उनसे बात करके तो ये करवाई गई है। तो हर पार्टिसिपेट को इनाम है इसमें सर, जी जितनी भी टीम, जैसे 8 टीमें आपने बताई हैं, तो जी जितनी पार्टिसिपेट टीमें हैं उसमें हर टीम को इनाम है? जी भाई, हर टीम को नाम है भाई, इसमें फर्स्ट प्राइज क्या रहेगा? फर्स्ट प्राइज और बाकी चीज पवन भाई बताऊंगे। टाटा साहब राम राम भाई। राम राम भाई जी, और आपके दर्शकों को VIP हरियाणा और भाई साहब पवन के चैनल को राम राम सभी भाइयों को। चलो सीधी सी थोड़ी जानकारी दो, प्राइस किस तरह से रहेंगे, मतलब जो पहले नंबर पर जो टीम जीतेगी उसको क्या दिया जाएगा, सेकंड नंबर को? इसमें टोटल 8 ही टीम हैं जो हिस्सा ले सकती हैं। वो ऑल इंडिया लेवल से हमने जो ट्रायल ली थी, हम ना ही तो किसी बच्चे से, किसी भी खिलाड़ी लड़की है जो भी, किसी से तो ट्रायल फीस नहीं लेते हैं, ना ही सिक्योरिटी फीस लेते ये हैं। ट्रायल बेस पे ही हुआ होगा ना हाँ, ये सिलेक्शन? ट्रायल बेस पे ही सिलेक्शन हुआ सभी का। और इसके अलावा 8 टीम खेलेंगी, 8ों टीमें रजिस्टर्ड हैं, और हमारी जो एसोसिएशन भी है, एक तो लीग है और इसके साथ हमारी एसोसिएशन बनी हुई है, एमचोर वुमेन स्पोर्ट्स कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, जो एसोसिएशन ये AKFI से परमिशन ग्रांटेड है।
सारे मैच डी गुड़गांव में ही होंगे। सभी मैच डी गुड़गांव में होंगे, टोटल 33 मैच होंगे, 4 दिन का इवेंट है, 8 टीमें भाग कब लेंगी। से स्टार्ट और कब तक एंड है? 3 से 6 मार्च तक है स्टार्टिंग, ओपनिंग है जो हमारी 3 मार्च को है, और 6 को क्लोजिंग सेरेमनी है जो कि महर्षि दयानंद जी की जयंती उस दिन। तो सर इस जो टीम में जो प्लेयर्स जो हिस्सा लेंगे, इनाम के अलावा भी कुछ बेनिफिट इस लीग में खेलने के उनको मिलने वाले हैं? हाँ, एक तो किसी भी जो लड़की है किसी से किसी प्रकार का पैसा नहीं लेते खिलाने के लिए, ना इससे ट्रायल फीस लेते हैं, ना सिक्योरिटी फीस है, ना ही लीग फीस है। उसके अलावा 8 इनाम है, पहला इनाम हमारा 5 लाख रुपए है, दूसरा इनाम 3 लाख रुपए है, तीसरा इनाम 1 लाख रुपए है, चौथा इनाम 51,000 रुपए है, और जो 5वें से 8वें तक हैं 4 टीमें रह जाती जो क्वार्टर के बाद, उनको 31,000 रुपये ईच टीम के हैं, इकतीस इकतीस हज़ार बेस्ट रुपये स्टॉपर और बेस्ट कैचर कोई आ रहा है जो भी आ रहा है तो उसको सर उसको स्कूटी है, सर जो मतलब मैच में जैसे प्रो कबड्डी में मैच में 21 रुपये बेस्ट कैचर बेस्ट आ रहा रेडर गेम, और एक विशेष गिफ्ट भी है, और जो पहली 4 टीमें आएंगी ना उनके लिए है स्पेशल, मतलब एक स्टैक बोलते हैं ना, प्रोटीन है, मल्टी विटामिन होगी, ग्लूकोज है, शेकर है, एक पूरी किट है प्लेयर के लिए जो पहली 4 टीमें आएंगी। और वैसे सभी प्लेयर्स के लिए भी किट हैं? हाँ, सभी खिलाड़ियों के लिए, जो भी मतलब 128 खिलाड़ी हैं, टोटल 14 लड़कियां एक टीम में हैं, उसके साथ एक टीम कोच एक टीम मैनेजर टोटल, और हमने इसमें एक जो लेडीज कोच लगा रखी है और जेंट्स कोच हैं जो मैनेजर और कोच हैं वो लगा रखे हैं, टोटल एक 16 जो मेंबर हैं एक टीम में हैं, और 16 के 16 मेंबरों को जो एक टीम में हैं उसको ट्रैक सूट है, कबड्डी किट है, मैट शूज हैं, और टी शर्ट चेंजर्स हैं, ग्लूकोज है, शेखर है, टावल है, बैग है, ये सभी एसेसरीज जो लड़कियों के हम प्रोवाइड करेंगे। कल बहुत बड़े लेवल पे एक कबड्डी टूर्नामेंट होने जा रहा है, हाँ वुमेन कबड्डी लीग, तो लाइव प्रसारण जो है, क्योंकि विदेशों में जो बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो डिगल गांव में इस दौरान ना आ सकते, तो वो कहाँ किस मतलब फॉर्मेट पे इसको देख सकें? इसका लाइव प्रसारण अपने स्टेज ऐप पे है, WSKL स्पोर्ट्स पे है जो कि हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इस पे इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, उस पे लाइव प्रसारण, और अन्य हमारे जो लोकल मीडिया पार्टनर हैं जो मतलब स्थानीय हैं उन पे लाइव चलेगा ये। तस्वीरें लाओ तो आप मैच को सर। राम राम जी नेताजी, आपके गांव डीगल में इतना बड़ा फॉर्मेट, इतने जबरदस्त टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई है इस बात की कि इस टूर्नामेंट के लिए आपके गांव को चुना गया, सर क्या कहोगे? हेलो, थैंक यू भाई साहब, और आपको भी बधाई हो। ये यहाँ पर कुलबीर भाई ने अकेडमी बनाई है स्पोर्ट्स की, ब्रिगेडियर रण सिंह के नाम से। 27 तारीख को यहाँ पर कैंप लगेगा लड़कियों का, और 3 तारीख से 6 तारीख तक ये कबड्डी लीग यहाँ पर आयोजन है। सबसे बड़ी बात यह है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जैसे प्रो कबड्डी है उस तरह का एक सपना देखा गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान बने और उनका हौसला अफजाई हो, उसके लिए ये लीग, ये कमेटी जो WSKL है, वुमेन स्पोर्ट्स कबड्डी लीग, ये तैयार कराई गई। इसका पहला जो आयोजन कराया था वो यूनिवर्सिटी में प्रयोग किया गया था। मैं तो ये कहूँगा बगैर राजनीति के सारा गांव मिलकर इस लीग को सफल बनाने में मदद करना, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, आपके गांव के जितने पहलवान हैं, जितने समाज सेवी हैं, जितना भाईचारा है, चाहे खापर दान है, चाहे कोई भी है, तो मैं डीगल गाँव के जो टोटल भाईचारा सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लीग इतिहास में लिखी जानी चाहिए डीगल गाँव के। दरअसल क्या है, ये लीग सफल ही रहेगी यहाँ पर, क्योंकि स्पोर्ट्स में है ना उसकी कोई जाति नहीं होती, ना उसका वोट का कोई बात होती, वो तो वोटों से काफ़ी दूर होता है, स्पोर्ट्स तो अलग चीज़ है, खिलाड़ी तो सबका होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नहीं होता, वोट का तो उसका संबंध ही नहीं होता था निजी तौर पर, लेकिन फिर भी इस गाँव में शुरू से ही स्पोर्ट्स का बड़ा एक अलग टाइप का मामला रहा है। यहाँ पुराने टाइम पर आप देखो तो हर घर में लंगोटी टंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीर अहलावत जो जुड़ रहा है ना, तो कदम दूसरे नु सोच जाए, सारे भैया रिक्वेस्ट है कि इस लीग को बड़े उच्च लेवल पर लेकर जाओ। उच्चे लेवल पर चलेंगे, ये गांव नहीं है डिगल गांव, इसके बारे में कई बार क्या है, आजकल बड़े बड़े गांव और भी गांव तो उनमें क्या है, कई जगह छोटी मोटी ऐसा है कि भाई दुर्भावना या भेदभाव होता रहता है, लेकिन इस गांव की पृष्ठभूमि और इतिहास लग रहा है तो इस गांव पर वो चीज़ ना तो सस्ती ना जस्ती। आप इस गांव के बारे में थोड़ा पता करोगे तो इस गांव का भाईचारा दुनिया में सबसे बड़ा भाईचारा, और ये हरियाणा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है,
और इस गांव में ऐसा कभी देखा नहीं गया, तो हम तो इस गांव के इसलिए ये मतलब विश्वास जताते हैं कोई नहीं लीग में सब सहयोग करेंगे और बहुत बढ़िया लीग होगी और बहुत अच्छे मुकाम तक ये मामला जाएगा। आम दर्शकों के लिए पवन जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा डंडा सर, आम दर्शक जो आएंगे किस टाइम मैच लगभग स्टार्ट हो जाएंगे, जो लोकल दर्शक जो यहाँ ग्राउंड में देख रहे होंगे तो टाइमिंग ये 3 तारीख को 1 बजे से और रात के 9 बजे तक चलेंगे मैच। ठीक है सर, आप पवन जी को संदीप हमारे पहलवान जी राम 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 भाई सर, आप एक टीम के ओनर भी हो जी, कैसे मन बनाया कि मैं इस वोमेन कबड्डी लीग में एक टीम चुनूं और मैं उसका ओनर हूँ? पवन भाई से और मासूम भाई से बातचीत हो गई थी इस बारे में, जब कि भाई इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म है, मैं पिछली बार जब हुई थी जो लीग हुई उसमें मैं हिस्सेदारी नहीं थी मेरी, उसके बाद में मेरी मुलाकात हुई थी भाइयों से देवा पहलवान जी जिनके बारे में बारीकी से जाना है भैया चीज़ के है, तो उसमें एक ये है कि मैं मतलब नेशनल के से अलग लड़कियों को प्लेटफार्म मिलता है, भाई लड़के हैं इनको जो बाहर और बहुत से टूर्नामेंट होते हैं लड़कियों के, बहुत कम टूर्नामेंट होते हैं, इनाम भी बहुत कम होता बहुत कम इनाम होता है, लेकिन जो इन भाइयों ने जो ये एक पहल करी है तो एक ये बधाई ये पात्र हैं जो इस तरीके का इन्होंने कार्यक्रम रखा। आपकी टीम आप किस टीम के ओनर हो? हरियाणा एमर्स मेरी टीम है। हरियाणा एमर्स जी, तो प्लेयर्स आपकी मर्जी से हैं या फिर ड्रॉ से ही? नहीं वो सभी का सेम जो इन्होंने जो ट्रायल बेस पे और सभी को मतलब जो ड्रॉ निकाला गया तो कोई किसी टीम में गया वही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है जी, बिल्कुल जी। थैंक यू पहलवान जी। थैंक यू राजा के घर मोतियां का तोड़ा नहीं होता, तो जहाँ ये गांव है ये भाईचारा का रही तस्वीर है लाहौत की बात, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है ये राजनेता नहीं, ये हमारा भाई बैठा है, और जो अन्य दलों में भी कोई अगर राजनीति कर रहा है तो उन सब ने तस्वीर आड़ बैठे तो नहीं मान ले वो सारे बैठे हैं। और रही बात इसमें स्पोर्ट्स की, आप देख रहे हो कि एकेडमी इससे प्रारंभ जुड़ होगी उस तो आगा ना कुश्ती की, और फिर चारों तरफ जुड़ो की 2 अकेडमियाँ हैं, एक अपने बास्केटबॉल की और एक हैंडबॉल की। इसके साथ साथ हमारे गांव का भाईचारा एक ये है कि राजनीतिकरण जब खेलों की कोई बात आती है तो हमारे गांव में राजनीतिकरण नहीं होता, जैसे दर्शक भी देख लेंगे और आसपास के गांव के, जैसे पवन भाई का सवाल था उस सवाल में कोई और गांव का भी ये देखे, हमारे गांव में तो है नहीं लेकिन दूसरे गांव को भी ये मैसेज आपके चैनलों के माध्यम से चला जा कि हम एक तरीके से खेल के ऊपर कभी भी इसी गलगांव ने राजनीति नहीं की, और हिंद केसरी भारत केसरी नेशनल मेडल एशियाड इस तरीके के प्लेयर यहाँ रहे हैं, जूडो के जब्बा और संदेश पहलवान जिन्होंने और समंदर पहलवान, बहुत से ऐसे पहलवान रहे जिनके मेडल्स हैं, उन सब के साथ जय भगवान पहलवान, उन सब के साथ यहाँ पे हमारा एक भाईचारा रहा है, और आपस में चाहे वो हैंडबॉल हो चाहे बास्केटबॉल हो, और राजनीतिकरण हम खेलों में कोशिश ये है कि नहीं आने देंगे। थैंक यू सर, ऑल ऑफ मेंबर पहलवान जी को एक बार फोन देख देना सर, आपको एडवांस में बताई आप समझ गए होंगे। धन्यवाद भाई साहब जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और आपकी लीग में हम अपने जो हमारे हाथ में माध्यम है फुल सपोर्ट करेंगे। पहलवान जी जो बधाई इन्होंने दी है ना उसमें न्योता हमने भी दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये तो आप भाई साहब आपने फोन जनता सभी घर में आपका आप इतने सीनियर हो ना, वो फोन लगा था मैंने फोन दिया आप और भी आ जाइए भाई, ये बताइए आपका कारण मिल रही है हमने कबड्डी को जितने भी अपने सीनियर लो भाई लो बोल लो भाई लो भाई खाने कबड्डी की बड़ी खान बढ़िया सुंदर एक बार नहीं है बात रह रही एक बार आप भी पूछ लो आप भी पूछ लो हां खान पीने की रहन-सहन की रोतक में है मतलब लड़कियां पहले की तरह भाई साहब जाट भवन को हायर करते हैं क्योंकि वो एक अपने जो पूर्वज हैं और अपने बड़े बूढ़े वहाँ पे बैठते हैं ना ही पूरे जाट भवन को हम किराए पे ले लेते हैं, मतलब जितना भी हमारा इवेंट है 4 या 5 दिन के लिए जो भी, तो उसमें ना ही तो कोई अलग से बाहर से कोई अंदर जा सकता है हमारी परमिशन के बिना, और वहाँ पर हम जो 2 महिला पुलिस वाले होते हैं वो अपने गार्ड सुरक्षा के रूप में रहते हैं, वहाँ से ट्रैवलिंग के लिए बस लगा देते हैं, ब्रेकफास्ट वहाँ पे होगा बच्चों का, लंच और डिनर यहाँ पे होगा एकेडमी के अंदर।
व्यवस्था बहुत बढ़िया है कहने का मतलब मोटा मोटा हाँ मोटा जी धन्यवाद थैंक यू सर।